ओके गाइस 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ पाटुली लेक से। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के पहले फ्लोटिंग मार्केट में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये फ्लोटिंग मार्केट है जिसे इंडिया में कोलकाता में खोला गया है, ओपन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त आप आकर शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बैंकॉक गए हैं, थाईलैंड गए हैं, तो वहाँ पर आपने इस तरह के फ्लोटिंग मार्केट देखे होंगे। लेकिन अगर आप थाईलैंड नहीं जाए गए हैं और अगर आप कश्मीर गए हैं, तो कश्मीर के डल लेक में भी आपने इस तरह का फ्लोटिंग मार्केट देखा होगा। लेकिन वो जो फ्लोटिंग मार्केट जो डल लेक में आपने देखा है, वो स्पेशली बनाया गया है टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वो डल लेक वाला फ्लोटिंग मार्केट जो है वो है। लेकिन यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको डेली यूजेस के सामान जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो आप नॉर्मली बाज़ार में जाते हैं और वहाँ जाकर आप खरीदते हैं, वो आप यहाँ आकर आप खरीद सकते हैं। यानी कि सब्जियों से लेके सब कुछ आपको इस फ्लोटिंग मार्केट में मिल जाएगा। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं आपको हर छोटी से बड़ी चीज़ आज इस मार्केट की बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को ठीक से देखना होगा। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त 91.9 फ्रेंड्स एफएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। जी हाँ, पाटुली मार्केट में इस पाटुली लेक में इस वक्त इस फ्लोटिंग मार्केट को ओपन किया गया है। ये 24 जनवरी यानी कि बस लास्ट वीक ही इसे ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। हमारी ऑनरेबल सीएम ने इसे इनॉग्रेट किया है और यहाँ पे करीब करीब 114 बोट्स हैं। जी हाँ, फ्लोटिंग मार्केट का मतलब भी होता है कि आपको यहाँ पर आना है और इन बोट्स में जो सामान मिल रही हैं उनसे मोल भाव करना है और आपको ये फ्लोटिंग मार्केट से आपको सामान खरीदनी है। देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे इस वक्त मिल रही है। ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है और आप ये फॉरेन में ही सिर्फ देख पाए होंगे। फ्लोटिंग मार्केट अब कोलकाता में है। सब्जियों से लेके सब कुछ है, वेजिटेबल्स, राइस, फिश, चिकन, फ्रूट्स, टी, पान, यहाँ तक कि फ्लोट करता हुआ एक सलोन भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जी हाँ, फ्लोटिंग मार्केट पाटुली लेक में खोला गया। अब आप सोच रहे हो कि अचानक से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया और ये कैसे इसे यहाँ पर ओपन किया गया। तो एक लंबी कहानी है, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप वीडियो को गौर से देखते रहिए। फूल भी यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में आप मार्केट जाते हैं और आप जाकर फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्लावर्स खरीदते हैं, तो आप इसे फ्लोटिंग मार्केट में आकर आप सामान खरीद सकते हैं। नॉर्मल घर की जो चीज़ें हैं, जो सब्जियाँ जो होती हैं, वो आप आकर यहाँ पे खरीद सकते हैं। और नीचे पानी भी है, यानी कि फ्लोटिंग मार्केट का मज़ा ले सकते हैं आप। आपको थाईलैंड वाली फीलिंग जो है, बैंकॉक वाली फीलिंग जो है, वो यहाँ पर आके आपको वैसा ही महसूस होगा। चलिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इंडिया का पहला फ्लोटिंग मार्केट इसे कहा जा रहा है, कंप्लीट फ्लोटिंग मार्केट इसे इस वक्त कहा जा रहा है, जो फ्लोटिंग मार्केट पाटुली इसे कहा जा रहा है। 114 बोट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, 114 बोट्स यहाँ पर हैं। और इन बोट्स में दो वेंडर्स होंगे। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वेंडर एक नज़र आ रही है जो फूल बेचने की तैयारी जो है वो कर रही है सुबह के समय, तो दूसरा साइड जो है वो खाली है। इस साइड में भी एक वेंडर यानी कि एक सेलर रहेगा। बोट का नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 19B। इस तरह के नंबर्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कि वहाँ 18A लिखा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक एक बोट पे दो वेंडर्स यानी कि दो सेलर्स रहने वाले हैं। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है, KMDA के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। 10 करोड़ रुपये करीब करीब इस फ्लोटिंग मार्केट को बनाने में खर्च हुए हैं। करीब करीब 10 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं इस फ्लोटिंग मार्केट को बनाने के लिए। कितने लंबी और बड़े जगह में है आप देख सकते हैं। 500 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर वर्क के एरिया में, यानी कि वाटर बॉडी में इस एरिया में इस फ्लोटिंग मार्केट को बनाया गया है। मार्केट खुल रहा है, 24 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन लास्ट वीक इनॉग्रेशन हुई है। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं, लाइव फेसबुक देख रहे हैं आप इस वक्त हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। देखिए, सब्जियां मिल रही हैं बोट पे, यही यूनिक है हम कोलकाता के लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा
नॉर्मली हम ही देख पाते हैं, हम बाजार में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ आप बोट में जो दुकानें हैं उन दुकानों का मजा ले सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली यूजेस के सामान जो हैं यहाँ पे इस वक्त मिल रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग आकर शॉपिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे जो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ कुछ देख सकते हैं यहाँ पे गोभियाँ मिल रही हैं, जी हाँ, नॉर्मल जो सामान है वो सब कुछ यहाँ पे इस वक्त मिल रही हैं। आप आ सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, जी जो नॉर्मली जो होता है, जो बार्गेनिंग होती है वो इस वक्त यहाँ पे हो रही है। देखिए सब कुछ आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं। एक गोभी बिक चुका है, मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ आज फ्लोटिंग मार्केट के बारे में, इसकी USP बताने वाला हूँ, लोगों को जो अच्छी लग रही है वो बात बताने वाला हूँ, और नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ कुछ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इससे फ्लोटिंग मार्केट की। आपको मैं पानी दिखाऊँ, पानी थोड़ा सा इस वक्त डर्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं बीच में एक क्लीनिंग मशीन जो है वो लगाई गई है, जिसको वीक में एक बार दो बार चलाया जाएगा, जिससे कि इस पानी को क्लियर कर सके, क्लीन कर सके, और साफ पानी जो है वो नज़र आ रहा है। देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जितनी देर ये फ्लोटिंग मार्केट खुला रहेगा उतनी देर सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नज़र आएंगे। और आगे हम और बढ़ते हैं, आप देखिए ये जो बोट है, इस बोट में इलेक्ट्रिक सप्लाई भी जो है वो दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को भी आप यहाँ पे चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये रात के समय वे लाइट जला सकते हैं, यानी कि ये कंप्लीट एक मार्केट है जिसे कहा जा रहा है फ्लोटिंग मार्केट। सिक्योरिटी के लिए भी देखिए इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कहा जा रहा है कि इनको पहले सेफ्टी के लिए इनको पहले ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद ही ये 114 जो बोट्स हैं और 228 वेंडर्स हैं, यानी कि 228 सेलर्स जो यहाँ पे आपको दुकानदार जिन्हें कहा जाता है वो जो नज़र आएंगे, उनको पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उनको ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। जैसा कि मैं आपको बताया था, ये वेंडर्स कहाँ से आए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अचानक से इतने सारे वेंडर्स को कहाँ से ढूंढ के निकाला गया। ये जो मार्केट है, यानी कि अभी इस वक्त जो पाटुली लेक में इस वक्त मैं जो खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे इस वक्त हिंदुस्तान का पहला, कोलकाता में खोला गया है पहला फ्लोटिंग मार्केट, ये वेंडर्स पहले VIP पाटुली मार्केट में नज़र आते थे। इस मार्केट के बिल्कुल नज़दीक में एक पहले हुआ करता था VIP पाटुली मार्केट, ये दुकानदार वहीं पर रहते थे, वहीं पर अपनी सामान बेचा करते थे, एक पूरी कंपनी जो मार्केट थी वहाँ पे थी, लैंड पे थी वो मार्केट, लेकिन मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के काम के कारण, मेट्रो एक्सटेंशन जो हो रही है उसके काम के कारण उनको हटना पड़ा। दिया बहुत दिन तक प्रोटेस्ट होती रही, बहुत दिन प्रोटेस्ट चली, प्रोटेस्ट करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो KMDA ने ये एक सजेशन इन सभी को दिया कि एक फ्लोटिंग मार्केट कोलकाता में ओपन किया जाए, क्या आप सभी शामिल होना चाहेंगे, क्या आप सभी अपने दुकान एक बोट में बनाना चाहेंगे। इन सभी ने सपोर्ट किया, इन सभी ने कहा कि जी हाँ ये कॉन्सेप्ट यूनिक है, और सभी जुड़ गए, यानी कि ये वही VIP पाटुली मार्केट वाले दुकानदार हैं जिनका पहले आसपास में ही दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब वे इस बोट का हिस्सा बन रहे हैं, यानी कि उनका बाजार जो है, अब दुकान जो है वो अब इस बोट में आ गया है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा, मुझे कितना मज़ा आ रहा है, एक अलग फॉरेन टाइप की फीलिंग जो है यहाँ पे इस वक्त हो रही है। सामानें मिल रही हैं पाटुली लेक में, इस फ्लोटिंग मार्केट को खोला गया, और ये एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। आलू मिल रहे हैं, आलू प्याज टमाटर जो नॉर्मल यूज़ की जो सामानें हैं वो मिल रही हैं। देखिए यहाँ थोड़ी सी सफाई भी चल रही है अपने कपड़ों की। चलिए अब मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस वक्त मिल रही हैं, जी हाँ वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि सब्ज़ियाँ मिल रही हैं यहाँ पे, आलू मिल रहे, प्याज मिल रहे, टमाटर मिल रहे, जी हाँ, राइस, वेजिटेबल्स, फिश, चिकन, फ्रूट्स, यहाँ तक कि टी, चाय भी आपको मिल जाएगी, पान और सलोन, ये सब यहाँ पर है, सलोन भी यहाँ पर है। तो उस सलोन की मैं यार देख रहा हूँ कि वो सलोन कहाँ है, मुझे देखना है। देखिए यहाँ सिलाई करने के लिए, आप अगर गद्दा सिलाई करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इस वक्त टेलर भी है। और ये देखिए चाय की दुकान आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि फ्लोटिंग बोट पे बैठकर चाय पीने का मज़ा कुछ अलग ही होगा।
देखिए काका इस वक्त चाय बेच रहे हैं, दुकानें अभी धीरे धीरे करके खुल रही हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ है इस फ्लोटिंग मार्केट के बारे में बताने के लिए, सब मैं एक एक करके आपको बताने वाला। इस व्यू को पहले आप देखिए, इस व्यू को देखिए। देखिए ये बाईपास वाला एरिया है, कितने बड़े जगह में इस फ्लोटिंग मार्केट को ओपन किया गया आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 114 बोट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे और 114 बोट्स में दो दो वेंडर्स करके रहने वाले, यानी कि टोटल 228 दुकानदार यहाँ पे रहने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि सब्जियाँ यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे टेलर हैं, यहाँ पे सलोन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक कम्प्लीट मार्केट में जो जो सामान मिलती हैं वो सब कुछ आपको पाटुली फ्लोटिंग मार्केट में मिल जाएगा। हिंदुस्तान का पहला इसे फ्लोटिंग मार्केट कहा जा रहा है। अब देखिए हम चल कहाँ रहे हैं, नीचे पानी है और ये एक वुडन पाथवे बनाया गया है। देखिए ये लकड़ी की एक पाथवे जो है वो बनाई गई है पूरे मार्केट में, यानी कि पूरे इस लेक में बनाई गई है। तो ये पाथवे में आप घूम सकते हैं इधर से उधर। आप देखिए लकड़ी की है जो पाथ है, ये बिल्कुल लकड़ी की है और आप इस पाथवे में आप मूव करेंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस के कारण इस पे भीड़ ज़्यादा करने नहीं दिया जाएगा। मेरी कुछ ऑफिसर्स के साथ बातें हुई, उनका कहना है कि जब भीड़, अभी तो फ़िलहाल वीकडे है, लोग कम नज़र आ रहे हैं, देखिए झोला ले लेके सब आ रहे हैं, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो इसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं देने दिया जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको थाईलैंड वाली फीलिंग होने वाली है, यानी कि पटाया में फ्लोटिंग मार्केट की फीलिंग जो है वो आपको यहाँ पे होगी। देखिए यहाँ पे चप्पल जूते भी मिल रहे हैं, यानी कि शू शॉप भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि दाल मिल रहे हैं, डेली यूजेस के जितने सामान हैं, मूढ़ी जो है मिल रहे हैं, ये सब नॉर्मली हम दुकानों में देखते हैं। देखिए दाल बिक रहे हैं, तो ये कैसा है यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। इस फ्लोटिंग मार्केट 54A में मैं इस वक्त आ पहुँचा हूँ। सर हमारा एक प्रेस थे के जानते चाहिए वो ये फ्लोटिंग मार्केट नहीं आपने आपने की देखो नाम ही शब्द दूधन हले खाने से আপনি কাছাকাছি থাকেন স্যার? কোথায় কাছাকাছি? হ্যাঁ কাছাকাছি থাকি, রেগুলার এখান থেকে বাজার করি, আগে ওখান থেকে বাজার করতাম। তো মোটামুটি এখনো সবাই সাজিয়ে উঠতে পারেনি, চেনাশোনা দোকান আছে, সবাই বসছেন, কিনছি, ঠিকই আছে সব। মানে অ্যাডভান্টেজ আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আপনি যদি বলতে হয়, দেখুন এখন তো অ্যাডভান্টেজের কোনো প্রশ্ন কিছু নেই, দেখতে পাচ্ছি না স্যার। অ্যাডভান্টেজ এই যা যেরকম ভাবে আমরা বাজার টাজার করি এটাই আর, কিন্তু ইটস এ ইউনিক কনসেপ্ট স্যার, এরকম আগে আমরা কখনো দেখিনি। এখন এখন এটাকে মেইনটেনেন্স কিভাবে মানে বছরের পর বছর মুক্তমু বর্ষাকাল সামনে আসছে, মুক্তমু ইত্যাদি প্রভৃতি এগুলো দেখে নিতে হবে। তো মোটামুটি এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। আপনি কি কিনছেন? আমি এখন আটা চাল ডাল তেল নুন মুক্তমু ইত্যাদি কিনতে একটু মুদিখানার দোকানে। বাহ ধন্যবাদ স্যার কথা বলার জন্য, ধন্যবাদ। জেসে কি ইনহোনে বাতায়া কি ইয়ে ইউনিক কনসেপ্ট হে অর ইয়াহা পার আগার আপ আতে হ্যায় তো আপকো হর চিজ জো হ্যায় নরমাল জো চিজ हैं वो मिल जाएंगी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, कहा जा रहा है कि 228 वेंडर्स होंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बोट पे दो वेंडर दो सेलर होने वाले, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो अभी भी खाली है। कैसे इनको मिला है? ये तो VIP पाटुली मार्केट में ये सेलर्स जो थे वो रहते थे, इनकी लॉटरी हुई थी, लॉटरी के बाद इनको एक एक साइड दिया गया है, एक एक साइड एक एक बोट का दिया गया है, एक एक बोट पे दो दो वेंडर रहने वाले हैं। देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने शॉप को सजाया है, यहाँ पे चाय से लेके बिस्किट से लेके चिप्स से लेके हर चीज़ जो है यहाँ पे इस वक्त मिल रही है। देखिए अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कितनी देर हो गए मैं यहाँ पे हूँ, कितनी लंबे जगह में ये इस पाटुली VIP मार्केट जो पहले था उसे लाया गया है इस पाटुली लेक में। आप देख सकते हैं मैं इस साइड में हूँ और दूसरे साइड में इस वक्त फ्रूट्स जो है वो मिल रही है, और इनका देखिए कंप्लीट बोट है, एक तरफ वे फ्रूट बेच रहे हैं और दूसरा वेंडर जो है वो इस वक्त कचौड़ी और कुछ और सामान जो है मिठाइयाँ भी बेच रहा है, यानी कि वो तैयारी कर रहा है, यानी कि आप खड़े होकर साइड में खड़े होकर आप कचौड़ी जलेबी का मज़ा ले सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको इधर लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो चाय इनकी एक साइड में मिल रही है और दूसरे साइड में वो
बिस्किट्स और दूसरी सामानें जो हैं वो बेच रहे हैं। यानी कि ये कंप्लीट बोट है, जैसे कि कहा गया है 228 वेंडर होंगे तो 228 में ये कंप्लीट बोट है। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं, देखिए बिल्डिंग्स जो है वो भी वहाँ बैठ कर देख रहे हैं, तो इनको कितना आनंद आ रहा होगा, इनका कितना मज़ा आ रहा होगा कि वो बैठ के एक हिंदुस्तान के पहले फ्लोटिंग मार्केट का भी मज़ा ले रहे हैं। यानी कि इनकी घर जो है कितने अच्छे व्यू इनको मिल रही होगी इस फ्लोटिंग मार्केट को वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था इस फ्लोटिंग मार्केट के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया, पटाया वाली फीलिंग जो है, बैंकॉक वाली फीलिंग जो है आपको मिलेगी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये पहला हिंदुस्तान का पहला ये फ्लोटिंग मार्केट है। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको डेली यूजेस की जो सामान जो आपको लगती है वो सब कुछ इस मार्केट में मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताऊं कि इस मार्केट की खूबी क्या है। सबसे बड़ी खूबी इस मार्केट की ये है कि हम हिंदुस्तानियों ने इंडिया में इतने बड़े तरीके से इस तरह का फ्लोटिंग मार्केट नहीं देखा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डल लेक में आप गए होंगे, तो डल लेक में आपने देखा होगा, लेकिन वो टूरिस्ट के लिए है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको मिलती है, वो अपने घर वाले परिवार वाले फैमिली वालों के लिए लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेली गुड्स की सामान जो है वो मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मुझे एक यहाँ पे सबसे बड़ी नज़र आ रही है कि अगर आप, चलिए मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इन सब्जियों को खरीदना चाह रहे हैं तो आप इन्हें टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से डिस्टेंस पे है। तो आपको अगर सब्जियां ख़रीदनी है तो ये दादा ही जो सब्जियां उठा के आपको देंगे, जैसे कि आपको अगर गाजर लेनी है, आपको अगर गोभी लेनी है, तो ये दादा ही आपको अपने हाथ से उठाकर वो सब्ज़ी आपके हाथ में देंगे। यानी कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप अपने से जो मोल भाव तो करेंगे लेकिन आप खुद चेक करके टोकरी में डाल के या डलिया में डाल के जो कहा जाता है, आप उन्हें नहीं कहेंगे कि भाई आप वजन करके दो, क्योंकि वो मुश्किल होगा, क्योंकि आप खड़े हैं ऊपर वुडन पाथवे पे आप खड़े हैं और वो बोट पे बैठे हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है आपको नजर आएगी। यहाँ देखिए आपको राइस मिल रहा है, चावल जो है वो मिल रहा है, और ये बहुत ही यूनिक है, पेपर जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये न्यूज़पेपर स्टॉल भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। क्या बात है। यहाँ पे भी देखिए दाल मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस वक्त मिल रही हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये फ्लोटिंग मार्केट कितनी बजे खुलता है, कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे ही इस पाटुली लेक को खोल दिया जाता है, यानी कि ये फ्लोटिंग मार्केट जो है वो 6 बजे खुल जाता है और ये दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है। यानी कि मार्केट टाइम मॉर्निंग आवर जो है वो है 6 AM to 1 PM, उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है और फिर 4 बजे इसे ओपन किया जाता है और ये रात के 9 बजे तक खुला रहता है। देखिए भाई यहाँ पर आपको चिकन मिल जाएगी, फ्लोटिंग मार्केट में आप आएंगे और आप चिकन ले सकते हैं। पेटीएम भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, यानी कि पूरी हाईटेक है ये मार्केट इस वक्त, फ्लोटिंग मार्केट जो पाटुली लेक में खोला गया है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चों को लेकर आऊँ इस मार्केट को, मैं घुमाऊँ, क्योंकि उनको भी मज़ा आएगा, क्योंकि बोट पे सामान जो है वो रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, 6 साल के नीचे के बच्चे यानी below 6 years वाले बच्चों को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। सेफ्टी रीजंस के कारण यहाँ पे 6 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, below 6 years वाले जो बच्चे हैं, उनको यहाँ एंट्री जो है, उनको जो एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। आपको 6 साल के ऊपर का ही होना होगा तभी आप इस फ्लोटिंग मार्केट को आके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइफ जैकेट जो है वो रखे हुए हैं, यानी कि हर एक वेंडर को, हर एक सेलर को यहाँ पे लाइफ जैकेट जो है वो दिया गया है। देखिए मटन भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि सब कुछ आपको इस मार्केट में मिलने वाला है। क्यों बोला? ये वेजिटेरियन सेक्शन कह सकते हैं, एक शॉप भी यहाँ पर है, अंडे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन सेक्शन को अलग डिवाइड करके यहाँ पे रखा गया है। वेजिटेरियन सेक्शन को थोड़ी देर पहले हमने देखा, नॉन वेजिटेरियन सेक्शन को अब हम क्रॉस कर रहे हैं और अब ये एंडिंग होने वाली है, यानी कि इससे पाटुली लेक के दूसरे साइड में हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे इस वक्त फिश, मटन, चिकन, एग्स
ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे वो सलोन नज़र नहीं आया। मुझे कहा गया था कि यहाँ पे एक सलोन भी है, हो सकता है कि अभी मॉर्निंग आवर में वो सलोन जो है वो खुला नहीं होगा। लेकिन कितने बड़े जगह पे हैं आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 500 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड ये पूरा एरिया है। और इस साइड में आपको नॉनवेज मिल जाएंगे, नॉनवेज आइटम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये है पाटुली लेक, और पाटुली लेक में है हिंदुस्तान का पहला फ्लोटिंग मार्केट। अरे चलिए हम दूसरे साइड में अब हम बढ़ते हैं। ये देखिए अब मैं इस साइड में आ पहुंचा हूँ, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फिश मिल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर किया गया है, मुझे लग रहा है कि ये पहले से किया हुआ होगा। पाटुली लेक जो लोग यहाँ पर शाम को मॉर्निंग वॉक करने, इवनिंग वॉक करने के लिए और सुबह मॉर्निंग वॉक करने जो आते हैं लोग, उनके लिए ये सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। हिंदुस्तान का पहला फ्लोटिंग मार्केट आप इस वक्त है देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। मैं एनिमेश इस वक्त बिल्कुल लाइव हूँ। ये पाटुली लेक में इसे 24 जनवरी को खोला गया, लास्ट वीक ओपन किया गया, हमारे ऑनरेबल सीएम ने इसे ओपन किया है। और यहाँ पे इस वक्त डेली यूज़ के जो सामान हैं वो यहाँ पे इस वक्त मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, आसपास जो लोग रहते हैं वे यहाँ पे आ सकते हैं, वे यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। डेली यूज़ के सामान जो है वो आपको यहाँ पे इस वक्त मिल जाएंगे। KMDA ने इसे तैयार किया है, 10 करोड़ से करीब करीब 10 करोड़ रुपए इस मार्केट को बनाने में लग गए हैं। काका गोभी कत कर दीछो? 20 टाका पीस। और बरबटी? 30 টাকা। আর এদিকে সব একটু বলো না, দু চারটে দাম বলো না। টমেটো 30 টাকা, 25 টাকা, 25 টাকা, 20 30 টাকা, বেগুন 30 টাকা, টমেটো 25 টাকা, লাউ 15 টাকা পিস, গাজর 30 টাকা কেজি, আপনার ক্যাপসিকাম হচ্ছে 20 টাকা। ঠিকঠাক বাজার হচ্ছে? কি খবর? খুব ভালো যাচ্ছে। খুব ভালো যাচ্ছে না, অনেকজন তো জানে না এখন, খবর পাইনি ঠিক করে। আর 5000 টাকা মাল নিয়ে আসি, এই জায়গাটা ফাঁকা কেন? এটা কবে? কাপড়ের দোকান। কখন খুলবে এটা? আচ্ছা বিকেলে ওটা খুলবে। আর এদিকে তোমার ওই চার্জার ফার্জার জায়গা দিয়েছে? চার্জার আছে, লাইট জ্বালানো যায়। আচ্ছা এখানে পয়েন্ট আছে, দুটো পয়েন্ট দিয়েছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা এই লাইটটা জ্বলবে, এটা রাতে তোমাদের সুবিধা হয়। আবার এই দুটো লাইট আছে, এই যে দুটো। আচ্ছা এক একটা সেলার ভেন্ডারকে দুটো করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ জ্বলছে জ্বলছে, বাহ বন্ধ করে দাও। হ্যাঁ খুব ভালো, দারুণ। তো তোমাদের এই বোর্ডগুলো কি এক জায়গায় ফিক্স করা আছে কি এগুলো এইদিক ওদিক করা যেতে পারে? তোমরা করতে পারো কি? মানে তোমরা কিন্তু ছড়াও না তো, একই জায়গায় থাকে, একটা জায়গায় থাকে, মুভ করবে না। আচ্ছা দারুণ দারুণ। কটা অবধি তুমি থাকো? আমি থাকি ছটা থেকে খোলে, তো ছটায় খোলে, তো খোলে পেপে নেই না, ছটা থেকে খোলে, বেলা একটা অবধি থাকি, একটা অবধি খোলা থাকে, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। আবার চারটে থেকে নটা, এগারো দশটা অবধি খোলা থাকে। বাহ দারুন দারুন। তো আগে তো তোমরা ছিলে ভিআইপি পাটুলি মার্কেটে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তো ওখানে বেশি বিক্রি হতো কি এখানে বেশি বিক্রি হতো?
আচ্ছা, কিন্তু তোমাকে তো সবাই চেনে, তোমার যে চেনা চেনা লোক সে তো আসবেই, সে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে, হ্যাঁ আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে। ঠিক আছে কাকা, থ্যাংক ইউ। তো আপনি জেসে কি শুনা কি থোড়ি সি ইস ওয়ক্ত প্রবলেম হো রি হ্যায়, ক্যুঁকি পহলে ইয়ে VIP মার্কেট, পাটুলি VIP মার্কেট মে ইনকে সব দোকানে থি, তো কাস্টমার জো থে ও ফিক্স থে, লেকিন আব থোড়ি দূরি দূরি পে ইনকি বোর্ড জো হোনে কে কারণ লোগো কো সমঝনে মে দিক্কত হো রি হ্যায়, অর লোগ এক হি সামান বহুত সারে বোর্ডস মে মিল জা রহে হ্যায়, তো লোগ এক হি জগহ সে আপনি খরিদারি জো হ্যায় ও কর লে রহে হ্যায়, অর ইসকে কারণ থোড়ি সি প্রবলেম জো হ্যায় ইনকো ফেস করনা পড় রহা হ্যায়, লেকিন কনসেপ্ট ইউনিক হ্যায়, অর মুঝে লগ রহা হ্যায় কি ধীরে ধীরে করকে লোগো কো ইয়ে বহুত পসন্দ আয়েগা, অর লোক আয়েঙ্গে অর ইয়াহাঁ পর আকে জরুর ইয়াহাঁ সে শপিং করেঙ্গে, ইয়াহাঁ পে আকে লোক সামান জরুর খরিদেঙ্গে, জো জো চিজ উনকো খরিদেঙ্গে। জেসে কি মে কচোরি দোকান কি আপকো বাত কর রহা, দেখিয়ে ইয়ে ও কচোরি দোকান হ্যায়, মে উধর খড়া হুয়া থা উস সময়, অর ইয়াহাঁ পে দেখিয়ে আপকো ইয়াহাঁ পর আনে সে আপকো চুরি জো হ্যায় মিল জায়েঙ্গি, ইয়াহাঁ ফ্রুট শপ, ফ্রুট কি দোকান ভি হ্যায়, যাহাঁ সে আপ ফ্রুট জো হ্যায় ও লে সকতে হ্যায়, ফল জো হ্যায় ইয়াহাঁ পে ফ্রুট ভি লে রহে হ্যায়। দেখিয়ে লোক আ রে হ্যায়, লেকিন এসি বাত নেই কি লোক নেই আ রে হ্যায়, ধীরে ধীরে করকে লোগো কো পতা চল রহা হ্যায়, অর লোক আ রে হ্যায়, দেখিয়ে সামান জো হ্যায় ইস তরহ সে আ রহা হ্যায়, অর সিধা দোকান মে জা রহা হ্যায়, বোট মে জা রহা হ্যায়। 57A 57B ইস তরহ সে করকে নাম দি গই হ্যায়, দেখিয়ে পানি মে আপকো দিখানা চাহুঙ্গা, পাটুলি লেক মে ইসে খোলা গিয়া হ্যায়, অর দেখিয়ে ইয়াহাঁ টয়লেট, টয়লেট কি সুবিধা ভি হ্যায়, জেন্টস এন্ড লেডিজ টয়লেট কি সুবিধা ভি ইয়াহাঁ পে কি গই হ্যায়, আপ দেখ সকতে হ্যায়, পাটুলি লেক মে খোলা গিয়া হ্যায়, হিন্দুস্তান কা ইয়ে বহুত হি প্রাউড মোমেন্ট হাম সবি কে লিয়ে, ক্যুঁকি হামারে পাস মেট্রো রেলওয়ে হ্যায় জো সবসে পহলে হুই, হামারে পাস ব্যাক্স মিউজিয়াম হ্যায় জো লোগো কো বহুত পসন্দ আ রহা হ্যায়, হামারে পাস ইকো পার্ক হ্যায় জাহাঁ পে 7 Wonders অফ দি ওয়ার্ল্ড আপ দেখ সকতে হ্যায়, অর আব হামারে পাস হিন্দুস্তান কা পহলা কমপ্লিট ইসে কাহা জা সকতা হ্যায় ফ্লোটিং মার্কেট ভি হ্যায়। তো আপ আগর ক্যালকাটা মে হ্যাঁ ওর দেখ রে হ্যাঁ, তো আপকো তো ইয়াহাঁ আনা হি হোগা, কুছ আকে সবজিয়া খরিদ লিজিয়েগা, কিয়া প্রবলেম হ্যায়, কিউকি হমে নর্মাল ডেজ মে তো সবজিয়া লাগতি হি হ্যায়। দেখিয়ে সামানে ইয়ে থোড়ি সি আপনে ইয়াহাঁ পে রাখে হুয়ে হ্যায় আভি সাইড মে, লেকিন আপকো বেচনা হ্যায় তো আপকো আপনে বোর্ড পর হি ব্যাঠ কে সামান কো বেচনা হোগা, এক কে বাদ এক আপকো বোর্ড নজর আয়েঙ্গে, বোর্ড কে সবকে নম্বর ভি হ্যায়, সবজিয়া জো হ্যায় ও মিল রহি হ্যায়, বস নেগেটিভ পয়েন্ট জেসে কি মানে আপকো কাহা কি আপ জ্যাদা কুছ টচ করকে আপ চুজ করনা জো হোতা হ্যায়, জো আপনে সে হাথ সে লেকে কি মুঝে ইয়ে দো খিরে চাহিয়ে, ইয়ে দো লেনা হ্যায়, ইয়ে টমাটর লেনি হ্যায়, বেসে আপনি কর সকতে হ্যায়, আপকো জো দিয়া জায়েগা ওহি আপকো লেনা হোগা, তো ইয়ে এক ইয়ে স্যার থোড়ি সি বাতে কর রে হ্যায়, তো মে সোচ রহা হুঁ কি ইনকে সাথ থোড়ি সি বাতে হো জায়ে, নমস্কার স্যার, আমি প্রেস থেকে একটু জানতে চাই কেমন লাগছে ফ্লোটিং মার্কেট, আপনার কেমন লাগলো একটু যদি বলেন। নো কমেন্টস, মানে ভালো খারাপ কিছুই বলতে যাবেন না, কিছু বলতে যাবেন না, আমার তো খুব দারুণ লেগেছে স্যার, বাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, হ্যাপি ইয়া স্যার, থোড়ে সে অভি দূসরে মুড মে হ্যায় ক্যুকি ইয়ে অভি কুছ খরিদ রহে হ্যায়, অর ইনকে সাথ কোই আর্গুমেন্টস কুছ হুই হ্যায়, ইসিলিয়ে থোড়ি সি বিলকুল ইয়ে থোড়ে সে দূসরে মুড মে হ্যায়, তো আপকো হর তরহ কি চিজে জো হ্যায় ও ইয়াহাঁ পে ইস ওয়াক্ত মিল রহি হ্যায়, ইয়ে মানে দেখা কুছ লোক থোড়ে সে পরেশান ভি নজর আ রহে হ্যায়, ক্যুকি উনকো কেনা হ্যায় কি আগর ইয়ে ফ্লোট করতা হুয়া আগর ইয়ে মার্কেট হতা তো জ্যাদা উনকো পসন্দ আতা, মতলব ফ্লোট করতে হুয়া মতলব কি বোট জো হ্যায় ইধর সে উধর আগর লেক মে ঘুম রে, তো লেক উতনা বড়া ভি নহি হ্যায় কি আপ ইসমে ফ্লোট করকে সামান কো ইধর সে উধর লেকে যায়, তো ইসিলিয়ে ইন বোটস কো ফিক্স কর দিয়া গিয়া, ইয়ে ফিক্স কিয়া হুয়া বোট হ্যায়, অর ইয়াহাঁ পর আগর আপ আয়েঙ্গে তো আপকো
डेली यूज़ के सामान जो है वो मिल जाएंगे। चलिए अब मैं एंड पार्ट पे पहुंच चुका हूं, यानी कि जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं पर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तान का पहला फ्लोटिंग मार्केट है, कोलकाता में इसे ओपन किया गया 24 जनवरी 2018 को। 114 बोट्स नज़र आएंगे, हर बोट में दो वेंडर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, यानी कि दो सेलर्स जो हैं वो रहने वाले हैं। KMDA ने इसे रेडी किया है, 10 करोड़ रुपए तक करीब करीब इस फ्लोटिंग मार्केट को तैयार करने में खर्च हुए हैं। 500 मीटर लॉन्ग और 60 मीटर वाइड ये से वाटर बॉडी की लंबाई चौड़ाई है। वेंडर्स जो है वो VIP मार्केट से आए हुए हैं, ये जो सेलर्स हैं वो VIP पाटुली मार्केट ही से आए हुए हैं। मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम होने के कारण उनको वहाँ से हटा दिया गया और अब वे यहाँ पर आ गए हैं। देखिए कुछ बोट्स हैं, 114 बोट्स जो है उसमें से कुछ बोट्स अभी भी खाली हैं और कहा जा रहा है कि 2 फेब तक ये बोट्स जो है वो भर जाएंगे, यानी कि उन बोट्स पे आपको सेलर जो है वो नज़र आ जाएंगे। यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, राइस, वेजिटेबल, फिश, चिकन, फ्रूट, टी, पान और सलोन। सलोन खुला नहीं है शायद, इसीलिए मुझे नज़र नहीं आया। 228 वेंडर्स हैं, स्टॉल्स हैं, वुडन पाथवे बना हुआ है, ये जो आप बीच में देख पा रहे वुडन पाथवे है उस पर आप मूव कर सकते हैं और जिस दुकान में आप जाना चाहें उस दुकान में जा सकते हैं और वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। थाईलैंड वाली फीलिंग आपको होगी, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो हैं 6 साल के नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। टाइम एक बार फिर से बता दूँ, 6 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, लेकिन कुछ स्टॉल वालों ने कहा कि ये रात के 10-10:30 बजे तक ये फ्लोटिंग मार्केट जो है वो खुला रह रहा है। तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल लाइव हूँ मैं अनिमेश आप सभी के लिए इस वक्त पाटुली लेक से, और पाटुली लेक में खुल चुका है हिंदुस्तान का पहला, कोलकाता में वो भी, बहुत ही प्राउड मोमेंट है, फ्लोटिंग मार्केट।